did. एक मिनट। हाँ, कभी भी हो आपने फ़ोन का उल्टा कैमरा यूज़ करना है, ये इस तरीके से एक बार एक डेढ़ मिनट की वीडियो बना के खुद को देख लेना है कि कितना फ्रेम आ रहा है फ़ोन में। और अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल लेंस है, कांकड़ भी आ गया, आजा जा मेरे बिना रहता ही नहीं है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विमल पाल। मैं आपका भाई दिल से स्वागत करता है विमल पाल। तो गाइस, बच्चों की डिमांड थी भाई, पापा आज अगेन हमने बिरयानी खानी है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं जाता हूँ वड्डा की मार्केट और लेके आता हूँ सोनू भाई की दुकान से बिरयानी। तो फिलहाल भाई लहसुन वेसन तो मैंने ले लिए हैं, अभी जाऊँगा मैं सोनू भाई के वहाँ पर से लेता हूँ आधा किलो चिकन और मस्त करके जो है कि भाई बच्चों के लिए बनाई जाएगी अगेन बिरयानी। हालांकि बिरयानी बनाते भी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई कल वाले व्लॉग में आपने देख ही लिया है और काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। तो चलो यहाँ पर से पहले ले लेते हैं। बना है क्या? बहुत बढ़िया, आज तो लंबा टूर है क्या? भाई साहब, भाई साहब मसाले भी तो डाल लें, लेग डलवाना है यार। लेग नहीं है, लेग डलवाना है। तूने बनाया भी को? बोल तो रहा था इसको, लेग नहीं है क्या? वो मुझे खाना मैंने कहा रुक जा, मसाले भी डाल। अब वो काटेगा ना लेग को? बेटा काटो बोल दिया बीबी, लेग के लिए काटना पड़ेगा। हाँ वहाँ बीबी ले गया, नहीं हो रहा यार इसके बिना, नहीं हो पा रहा। इसकी क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, मेरे तो चेंज कर ले। अच्छा कोई तो जा तो रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ मैं तेरे सभी सताए नेपाल से देगा, खटी वहाँ से लूंगा हेलमेट नहीं तो मैं आदमी है यार, खाना भी खुद ही बनाना है ना मैंने, बात नहीं समझ रहा तभी तो। हाँ हाँ डाला भी तो था मैंने, तभी तो कह रहा हूँ। आजकल फेसबुक पेज में भी तो डाल रहा हूँ मैं, उसमें भी तो वायरल हो गया दबा के। सही है, सब में डाल देना है, फैला देना है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब देख समान क्या चिकन है, क्या मसाले भी है, ये कौन सा मसाला है? ये वहाँ मिलता नीचे, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं। सो गाइस, ले लिया भाई यहाँ से मैंने चिकन। तो जब भी आता हूँ भाई, मैं अपने भाई की दुकान से आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से चिकन मैं इसलिए लेता हूँ ना, क्योंकि भाई भाई का एक तो नेचर बढ़िया है और प्लस यार मेरी काफ़ी हेल्प भी करते हैं ये मेरे चैनल के लिए, मतलब ना। तो भविष्य में भाई कभी बड़ा चैनल हो जाएगा तो वो तो मैं पहले ही कहता भी हूँ, तो अपना सोनू भाई उसको उसकी देख रेख करेगा। और बाकी भाई आपका आशीर्वाद है, आज चौथा दिन मैं लगातार व्लॉग डालते हुए मेरे को हो गया चौथा दिन, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है यार। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया डेली व्लॉग डालो, तो भाई मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। मैं आपको रियल बताऊं, मतलब समय निकाल के मैं आपके लिए डेली व्लॉग दिल से बना रहा हूं दोस्तों, दिल से। और ऐसे ही प्यार बनाए के रखना, तो भाई डेली आपको व्लॉग देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि आपके प्यार से हमारी हिम्मत भी बढ़ती है दोस्तों। और अभी रुकता हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी की दुकान के यहाँ पर, तो यहाँ पर से भी थोड़ा बहुत सामान लेना है मैंने। और पुआरी मसाला आता है एक, वो भी यहीं पे मिलता है भाई, सीक्रेट है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको घर में। तो गाइस, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ, मैं घर पहुँच गया हूँ, सब्जी वब्जी ली, अभी खाना वाना भी बनाना है। और यहाँ पर भाई एक सरप्राइज़ मिला है, भाई ने कहा था कि गिटार लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और भाई मेरे को पता नहीं था कि आज गिटार लेके आने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है भैया गिटार की, धन्यवाद। मिठाई ठाई दीनी अभी कौन लाए गिटार? ये मामा लाए। दिखाओ जरा, खोल के ओपनिंग करो इसकी। कहीं दिल्ली से लाए? यस। तो गाइस देखो भाई, आई इसके मामा कितने अच्छे हैं यार, वैसे मेरे मामा भी लाते थे यार पहले जब मैं छोटा था। क्या बात है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आई बांसुरी भी बहुत अच्छी बताता है भाई, मतलब म्यूजिक का ना इसके अंदर सुरूर है, सुरूर। थोड़ा बजा के तो दिखाओगे? आनंद अच्छी है बेटा, क्या बात है यार, मस्त लग रहा है, लेकिन दिखाओ। करे ट्राई। हाँ हाँ, बढ़िया वाला बजाओ, बजाओ बजाओ, जैसे बजाओ बजाओ।
गिटार तो मस्त है नया है बिल्कुल, क्यों ब्रांड नहीं, कितने का लिया बोले? सही है सही है। क्या बात है यार, गजब गजब। सो गाइस मस्त है यार गिटार देखो, और जम भी रहा है ना बेटा, क्योंकि सबसे बेस्ट क्या लग रहा है मेरे को इसका ब्लैक कलर है, गजब लग रहा है। लेकिन तोड़ना मत भाई, आप बढ़िया तरीके से बजाना सीखना। सो गाइस खाना खा के भाई थोड़ा मैंने सोचा कि वॉकिंग हो जाए, और इसी बहाने भाई थोड़ा पेट का जो खाना है ना वो पच जाए, क्योंकि भाई साहब आजकल एक्सरसाइज तो होनी से रही, डंबल ऐसे ही रख रखे हैं और चेस्टर भी ऐसे ही रख रखा है, मतलब क्या बता, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। तो एक्चुअली बात ऐसी है ना, 5-6 दिन में नहीं बनाना पड़ेगा खाना, अब जो भाई अपने पहाड़ी भाई हैं वो समझ सकते हैं, कभी कभी घर का काम, घर का खाना पीना मर्द ने भी करना पड़ता है है ना। अब ज़्यादा खुल के मैं क्या ही बोलूँ, जो समझदार है वो समझ गए होंगे, क्योंकि अपने उत्तराखंड भाई देवभूमि है, तो यहाँ भाई चीज़ों को समझना पड़ता है ना, खुद को ढालना पड़ता है उस चीज़ में। फिर हमारे घर में तो देवी देवताओं का वास है, तो भाई इस वजह से बहुत चीज़ें माननी पड़ती हैं ना, समझ सकते हो आप। हाँ बट काफ़ी लोग मेरे से ये कह रहे थे कि भाई व्लॉग बनाने का जो सही तरीका होता है, अगर हम फ़ोन से बनाएं या अन्य कैमरों से बनाएं, तो किस तरीके से कैमरे को पकड़ना चाहिए, किस तरीके से व्लॉग बनाना चाहिए। तो अगर आप फ़ोन से बना रहे हो ना, तो जैसे ये मैं तो अभी गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, तो फ़ोन में से आपने जब भी व्लॉग करना है तो आपने जो है कि इस तरीके से पकड़ना है फ़ोन, ठीक है। एक मिनट, हाँ कभी भी हो आपने फ़ोन का उल्टा कैमरा यूज़ करना है, ये इस तरीके से एक बार 1-1.5 मिनट की वीडियो बना के खुद को देख लेना है कि कितना फ्रेम आ रहा है फ़ोन में। और अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल लेंस है काकड़ भी आ गया, आजा आजा, ये मेरे बिना रहता ही नहीं है, आजा आजा। तो अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल लेंस है ना गाइस, तो आप जो है कि ईजिली इस तरीके से वाइड एंगल लेंस को ओपन करके वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं तो फिर उसमें क्या होगा ना, वीडियो बहुत ज़्यादा शेक हो जाएगा, यानी कि हिलेगा, ठीक है ना। तो जहाँ तक है भाई, इस तरीके से फ़ोन को बैक तरीके से पकड़ना है आपने, ठीक है, और बैक कैमरे से ही आपको अपने आप को शूट करना है, और देख लेना है भाई कितना आपका फेस, कितना पीछे का व्यू कैप्चर हो रहा है, तो उसी तरीके से आपने शूट करना है, ठीक है। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बताते रहूँगा आने वाली वीडियो में। सो ठीक है गाइस, आई होप कि आपको आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आज मैं जाऊँगा थोड़ा ऊपर तक, और थोड़ा जो है कि भाई वॉकिंग डिस्टेंस भी करनी है ना, फिजिकल भी फिट रखना है। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसी किसी खूबसूरत और प्यारे से, तब तक ले जाऊँगा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।